सो गाइस आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th अर्स अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रीवियस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सभी एक्सरसाइज का सॉल्व कर चुके हैं, इवन एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो आप देख लीजिएगा चैनल पर, वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10, वहां से देख सकते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डिटरमाइन के सो दैट दीज टर्म्स आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट। आपसे क्या गिवन है यहाँ पर, ये गिवन है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं वो किस में है, एपी में है, देन आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस ये जो टर्म्स है ना वो एपी की टर्म्स है। एपी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर, यानी कि अल्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ सम नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स होते हैं उनका सिक्वेंस होता है। और यहाँ पे बोला है कि ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर फाइव सिक्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। मीन्स ये एपी में है, एक एपी सिक्वेंस ऑफ नंबर है, उसमें ये तीनों टर्म्स हैं, राइट। और जब भी आपसे कह दिया जाए कि कोई टर्म कुछ टर्म्स हैं जो कि एपी में हैं, देन गाइस आपको मालूम है हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, डी कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि अगर हमारा देख लीजिए ए बी सी तीन टर्म्स हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज एग्जाम्पल समझते हैं, 2, 3, 4, 5, तो आपके क्या होता है, डिफरेंस इक्वल होता है ना, तो आप लास्ट सेकंड वाले से फर्स्ट का डिफरेंस देखते हैं एंड फोर जो थर्ड वाला है उससे सेकंड का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। और ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, यही होता है ना आपका कंसेप्ट। ऐसे ही आप डी कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं ना, कि अगर इनका डिफरेंस देखे, इनका डिफरेंस देखे, सब इक्वल होता है। सेम गाइज यहाँ से बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, सी माइनस बी के। ये डिफरेंस, ये कंसेप्ट आपको समझ आता है ना, ठीक है, जिससे हमारा फॉर्मूला आता है 2b = a + c। यहाँ से हमारा अल्थमेटिक मीन भी निकल के आ जाता है, ठीक है। सो ये जो मीन है b = a + c/2, ये आपका कैलकुलेट होके आ जाता है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, ये तीनों जो टर्म्स हैं वो किस में है, एपी में है, ठीक है। तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट, सिंस सी के माइनस टू, फोर के माइनस सिक्स एंड के प्लस टू आर इन एपी, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में ये तीनों टर्म्स हैं आपके और कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, जैसे कि हम बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। एपी में कब होता है कोई भी इक्वेशन, जब उनका बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, यानी कि इसमें से इसको माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस जी इक्वल आएगा। सो यहाँ से रख लीजिए 4k - 6 माइनस 3k - 2 इक्वल्स टू k + 2 - 4k - 6। अगर आपको ये लाइन समझ आ जाती है ना कि ये कैसे आई है, देन आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। उसके लिए आपको जो बेसिक कंसेप्ट हमने एक्सरसाइज 5A में सॉल्व किया है क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और सेम आगे हम चेक करते हैं सेकंड से उससे पहले की टर्म को चेक करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है गाइज, इक्वल होता है, राइट। कॉमन तभी वो, अगर कॉमन डिफरेंस आपका डी इक्वल है देन वो ए बी में होंगे, अदरवाइज ए बी में नहीं होते, राइट। सो आइए सॉल्व कीजिए, 4k - 6 माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3k + 2 इक्वल्स टू k + 2 - 4k - -+6, ठीक है। सो आइए सॉल्व करते हैं, 4k - 6 - 3k + 2 - k - 2 - -+4k - 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले k वाली टर्म्स देख लेते हैं, 4k - 3k और -k, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, 4k - 3k और -k। सो गाइज ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 4k इसको ऐड करेंगे -4k और एक आपका ये +4k, ठीक है। -6 + 2 यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो सकता है कुछ, +2 एंड -2 ये कैंसिल आउट हो रहा है आपका, +2 एंड -2, राइट। एंड यहाँ पर -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12 = 0, ठीक है। नाउ ये +4k - 4k ये आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, सो 4k - 12 = 0, सो 4k = 12, दैट मीन्स k = 12/4 एंड 4 3s are 12, दैट मीन्स यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 3 आ जाती है, राइट। सो आपको मालूम हो गया कि k की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, दैट मीन्स हैंस k = 3 फॉर द नंबर्स
अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है गाइस, जो ये आपके नंबर्स है ना, सी के माइनस टू, इनमें वैल्यू पुट कीजिए आप अपनी. सी के माइनस टू इक्वल्स टू, सी थ्री जो 9 माइनस टू कितना हो जाएगा 7, ठीक है. 4k माइनस 6, 4 इंटू 3 माइनस 6, 4 थ्री जो 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6, ठीक है. के प्लस टू यानी कि 3 प्लस टू इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स के इक्वल्स टू 3 फॉर द नंबर्स 7 6 5, राइट. सो आपको मालूम हो गया, हैंस के इक्वल्स टू 3 फॉर द नंबर 7 6 5, राइट. सो ये नंबर्स हैं 7 6 5, यानी कि एपी के जो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनके लिए आप के की वैल्यू कितनी है 3 है. दिस इज द आंसर. आप ये लिख के नहीं भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपसे के की वैल्यू पूछे, के की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी, हैंस के इक्वल्स टू 3, यहाँ तक भी आप आंसर स्टॉप कर सकते हैं, राइट. सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है. समझ आया? वीडियो लाइक नहीं है ना, जल्दी से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. सेम गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दीस टर्म्स आर इन AP, राइट. तो आपको अगेन एक सीरीज एपी दे दिया, एपी नंबर ऑफ सिक्वेंस दे दिया, ठीक है, जिसमें आपके कोई 3 नंबर्स हैं, ये 5k प्लस 2, राइट, एंड 4k माइनस 4x माइनस 1, 5x प्लस 2, 4x माइनस 1 एंड x प्लस 2, ये 3 टर्म्स हैं आपके, राइट. और हमें मालूम है कि बीच का डिफरेंस क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, तभी वो एपी की सीरीज में आते हैं. इट मींस 4x माइनस 1, 1 में से 5x प्लस 2 माइनस करते हैं और x प्लस 2 में से ये माइनस करते हैं, देन वो डिफरेंस क्या आता है, इक्वल आता है. हमेशा आपको मालूम है ना, नेक्स्ट वाले से पहले वाले डिजिट को माइनस करते हैं, ठीक है. सो 4x माइनस 1 में से माइनस करेंगे 5x प्लस 2, उसका प्रीसीडिंग टर्म. सेम नेक्स्ट टर्म x प्लस 2 में से हम माइनस करेंगे उसका प्रीसीडिंग टर्म, फोर दैट इज 4x माइनस 1, राइट. नाउ ये आपस में इक्वल होंगे, दैट इज कॉमन डिफरेंस, राइट, डी, जो कि आपस में इक्वल होगा. सो 4x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1. गाइज ये कैसे हुआ, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है पूरा कंसेप्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ हम सॉल्व करते हैं. 4x एंड माइनस 5x कितना हो गया, माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाता है ये माइनस 3x प्लस 3, ठीक है. लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो जब सॉल्व करते हैं 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है. नाउ 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 2 थ्री जो 6, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3, यानी कि आपकी x की वैल्यू हो जाती है, हैंस x इक्वल्स टू 3, दिस इज द आंसर. आप चाहें तो वैल्यू में पुट भी कर सकते हैं आंसर, नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं. 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 थ्री जो 15 प्लस 2 कितना आगे जाता है 17, 4x माइनस 1, ठीक है, तो 4 थ्री जो 12 एंड माइनस 1 यानी कि 11, एंड x प्लस 2 इट मीन्स आपका 3 प्लस 2 5 हो जाता है. डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 6 है एंड यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 6 है, ठीक है. तो आपको मालूम हो गया कि 6 6 का आपका डिफरेंस है, d की वैल्यू क्या है 6 है. सो यहाँ पर आपको नंबर्स ही मालूम हो गए. सो x इक्वल्स टू 3 फोर नंबर 7 11 5, ठीक है. सो इस तरीके से गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो जाता है. आप यहाँ पर भी आंसर्स लिख सकते हैं, राइट. सो अगर आपसे नंबर पूछे तो आप ये नंबर्स भी बता सकते हैं. आपको सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, रेक्टिफिकेशन नहीं करना. अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर्स, राइट, देन व्हेन दीज नंबर्स आर इन एपी, देन गाइज आप नंबर्स भी बता सकते हैं, ठीक है. समझ आया? वीडियो भी लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड गाइज प्लीज सब्सक्रिप्शन ऐप तो डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज वहाँ पर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, अपडेटेड नोटिफिकेशंस, क्विज क्वेश्चंस सब मिलेंगे. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.